अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित चक्र तीर्थ पर चौड़ीकरण मामले को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री राजेश पांडे के नेतृत्व में चक्र तीर्थ के मोहल्ले वासियों ने डीएम नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में सभी मोहल्ले वासियों ने परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण मामले को लेकर मांग की कि यहाँ चक्र तीर्थ मोहल्ले से सड़क चौड़ीकरण ना करें बल्कि यहाँ चक्र तीर्थ मोहल्ले के पीछे खाली पड़ी नजूल की जमीन से रास्ता निकाला जाए ताकि हम गरीब लोगों के आवास न टूटें, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारे पास घर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार से मांग है कि हमारे घरों की नपाई ना की जाए। परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण चक्रतीर्थ मोहल्ले के पीछे खाली पड़ी नजूल की जमीन से परिक्रमा मार्ग निकाला जाए। इसमें पूरी जनता बहुत ही जर्जर स्थिति में है, बहुत ही गरीब स्थिति में है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस भूमि पर रहती चली आई है। आज उनकी ऐसी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि कहीं जमीन लेकर के कहीं बना सके, इसलिए जनता बहुत ही पीड़ित है और जनता अपने मकानों को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और गरीब लोग इस परिक्रमा मार्ग पर बसे हुए हैं। और सरकार के पास ऑप्शन भी है कि हम सभी के मकान के पीछे नजूल की भूमि सरकारी भूमि है, इसके पूर्व वो नपाई भी हो चुकी है कि उस रास्ते से बनाया जाता, फिर भी सरकार इधर नाप जो करा रही है। तो सभी का मांग है कि इधर से नाप छोड़ दें, चौड़ीकरण ना करावें और पूरी जनता के ऊपर रहम बख्शा जाए, जिससे गरीब इस अयोध्या से बेघर ना हो सके, उनकी घर से न छुड़ा जाए, ये सभी का मांग है। जो चक्रतीर्थ पे जो चौड़ीकरण मामला चल रहा है, यही है कि इसको मत कीजिए, पीछे से ले लीजिए, यहाँ गरीब लोग रहते हैं तब कहाँ जाएंगे, कोई मतलब सरकारी नौकरी तो है नहीं कि मतलब कहीं और जमीन लेके बनवा लेंगे, यही है सब पूजा पाठ वाला काम है। चौड़ीकरण जो कर रहे हैं वो पीछे से करें, यहाँ से ना पीछे है। हाँ पीछे है जगह, नजूली जमीन है, बहुत ज्यादा है, जबकि वहाँ पूरा बन सकता है, इतना है।